करते हैं कि जैसे चैप्टर 5 का पार्ट 1 वीडियो में और इसमें बाकी रह गया था, पार्ट 2 वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है? आई थिंक पार्ट 2 तो हम लोग करते हैं, ठीक है? चैप्टर 5 का मैं लिंक दोबारा से मैं वो करता हूँ। हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। चलो कल पार्ट 2 और बता दूंगा, और भी है चैप्टर 5 में, ठीक है? बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई घबरा के पढ़ना नहीं है हम लोग को। तो मैं करता हूं, मैं अब देखो मेरा यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ फाइंड ETC हाइपर नेम किया मैंने, ठीक है? और PassWD किया मैंने। तो देखो मैंने अभी तो सेव कर दिया था, तो ये अभी सिर्फ क्या एरर नहीं शो कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो देखो सर। अब मैं ये क्या करता हूं, मैं जैसे आपका मतलब कि फाइंड ET C जैसे मैंने कर रहा हूं, यदि तो आपका एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, दोनों फाइल को सेव करने के लिए, जैसे मैं फाइंड कमांड चलाया सपोज, तो फाइंड ETC मैंने किया, ठीक है? और हाइपर नेम किया मैंने, फाइंड हाइपर ETC किया मैंने, ठीक है? और हाइपर नेम किया मैंने, ठीक है? और क्या किया मैंने, PassWD किया मैंने, PassWD किया मैंने, ठीक है? और ये एंड की जो साइन होती है किस लिए होती है, ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल एरर आ रही थी और जो मतलब दोनों सेव करना चाहता हूँ, तो कि मैं क्या क्या करना हूँ, ये साइन लगा के both.txt नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है? तो जैसे कैट करोगे तो both.txt आ जाएगा, देखा? तो ये सारे एरर और ये दोनों फाइल देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ रहा है ना ये आपके लिए, ठीक है? जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने ये क्या करता हूँ, फाइंड, अगर सपोज मैंने फाइंड लगाया मैंने, ठीक है? फाइंड /ETC और हाइपर सिंटेक्स नेम तो रहेगा रहेगा, और PassWD लगाया मैंने, ठीक है? और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एंड की साइन लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, बोथ .txt, ठीक है? ये देखो ये मेरा एरर जो आ रहा है, ये देखो ये अभी एरर आ रहा है ये, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये एरर मेरा सेव हो जाए, है कि नहीं? है कि नहीं, समझ आ रही है? तो मैं ये कैट क्या कर रहा हूँ, बोथ .txt कर रहा हूं मैं, एक मिनट, ये मेरे सिंटेक्स लगाना यूज करना मैंने ना वो रखा था, और ठीक है। अब मैं क्या रखता हूँ, बोथ डॉट, देखो ये एरर सारे एरर भी शो कर रहे हैं, है कि नहीं? दोनों एरर है, ये फाइल दोनों शो कर रहा है, ये भी फाइल शो कर रहा है और ये भी फाइल शो कर रहा है कि नहीं? इसके अंदर तो समझ आ गया जोशी भाई? चलो सर आया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो अभी ये थोड़ा ना ध्यान से समझना। अगर मैं ये क्या करता हूं, मैं ls-l करता हूं मैं, तो देखो सारे ये जितने फाइल आ रहा है ना ये इसके अंदर, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इस रिजल्ट को मैं सेव कर दूं, जैसे ही मैं रूट पे जाता हूं, मैं सपोज ls-l किया मैंने, तो देखो इतने सारे फाइल दिख रहा है ना? यस सर, काफी अब देखो सारी मैं, फाइल्स थे। हाँ, फाइल तो ls-l जी किया मैंने, इस फाइल को चाहता हूं मैं कि कुछ सी पार्टिकुलर फाइल के अंदर सेव कर दूं, तो ls.txt कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो। तो मैं कैट लिख रहा हूँ, ls.txt लिख रहा हूं मैं, तो देखो ये सारे शो कर रहा है ना ये। चलो तो अभी क्लियर लिखता हूं मैं, तो ls
हाइपन एल किया मैंने, और क्या करता हूं ls डॉट टीएक्सटी और इसका लेस कमांड लिखता हूं मैं। देखो लेस कमांड करता है, ये भी व्यू करने कमांड करता है ये, ठीक है। व्यू करने कमांड मतलब कि ये आपका जब तक क्यू प्लेस, हाँ लेस कमांड मतलब व्यू करता है, ठीक है। बट लेकिन ये क्यू जब तक प्रेस नहीं करोगे ना, जब तक बाहर नहीं आ पाओगे, समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है। अब देखो मैं चाहता हूं कि जिस फाइल को आप दिखा रहे थे, जैसे मैंने लेस किया, लेस ls डॉट टीएक्सटी, तो देखो इस फाइल को आप देखते जा रहे हो ना, एंडिंग हो रही क्या ये, जब तक क्यू प्रेस नहीं करोगे तो जब तक आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो देखो मैंने क्यू प्रेस कर दिया, डब्ल्यू क्यू भी होता है ना इसके अंदर, एक डब्ल्यू क्यू होती है, डबल मतलब सेव कमांड होती है, क्यू मतलब क्विट, वो भीम पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक है। एडिटिंग आती है, वो टेक्स्ट फाइल को लिखने के लिए आती है, ये कमांड आपने सुना ही होगा उसमें भीम, तो इसके बारे में इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें डब्ल्यू क्यू कमांड कैसे यूज करते वो बताऊंगा आपको, अभी इसी के अंदर है, ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझो। अब देखो ls hyphen l किया मैंने, तो देखो मैंने क्या किया, t कमांड लिखा मैंने, ठीक है, और ls dot txt किया मैंने, तो क्या किया मैंने, लेस किया कमांड। तो देखो ये आप तो यहाँ पे एंडिंग हो रही है ये फाइल, ठीक है। लेस और t कमांड क्या होती है कि दोनों फाइल को क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है, और एक क्या होता है उसको अगेन फॉरवर्ड कर देता है, इसमें फाइल को सेव भी कर देता है, समझ रहे हो। लेस और टी कमांड, जो टी डबल ई कमांड जो मैंने लगाया मैंने, ठीक है, फॉरवर्ड कर देता है ये, समझ रहे हो। तो मैंने क्यू प्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ls hyphen l किया मैंने, तो इतना सारा दिख रहा है अभी, रिजल्ट कर रहा है ना, तो दोबारा से देखो इसको, ls hyphen मैंने l कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने लिखा फाइल 001, ठीक है, फाइल 001, सॉरी हाँ नहीं मैंने दूसरा लिखता हूँ, एक मिनट जस्ट सॉरी, मैंने कर रहा हूँ TE कमांड लिखता हूँ मैं, ठीक है, और फाइल 001 लिखता हूँ मैं, समझ रहे हो, और डॉट TXT मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लेस लिखा मैंने कमांड। तो ये क्या कर देता है, फाइल को फॉरवर्ड करता है, ये साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, सेव भी हो जाए फाइल को, दोनों सेव भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, रिजल्ट भी शो करेगा। तो देखो सेव भी कर दिया, रिजल्ट भी शो कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है ना भाई। तो क्यू कमांड, अब क्यू से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, है कि नहीं। अब देखो एक कमांड होती है ls hyphen, मैंने l किया, ठीक है, और मैंने ये पाई का यूज किया, एक मोर कमांड होती है, तो मोर कमांड क्या होता है, फाइल 001, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, हम यहाँ पे मोर होती है, तो मैंने फाइल 001.txt। अब देखो ये मोर कमांड और लेस कमांड, टी कमांड, देखो मोर कमांड में क्या आ रहा है कि आप इंटर करके ना आप बाहर आ सकते हो, आप ये देखो देखते जा रहे हो और इंटर भी कर रहे हो ना, ये फाइल yes. सारे फाइल को शो हो रही है, देखो हो रही है ना, देखो बाहर आ गए इंटर करते करते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या लगाया, व्यू कम, कैट भी व्यू करता है और लेस भी करता है, और ये क्या करता है, मोर दोनों कमांड से, कैट लेस और मोर, हाँ तीनों का व्यू करता है, बट लेकिन तीनों का कंडीशन अलग अलग है। ये कैट कर क्या करता है कि आपका फाइल को रिजल्ट तो शो करता है, बट शो करता है सिर्फ ओनली आपका रिजल्ट कंटेंट का व्यू कर देता है ये, बट लेस कमांड जो करती है व्यू तो करती है, बट लेकिन आप जब तक उसको इंटर करते जाओगे एंड की फाइल, जब तक आप क्यू प्रेस नहीं करोगे, जब तक आप बाहर नहीं आ पाओगे लेस कमांड यदि यूज करोगे, तो अभी बताया था मोर कमांड में ये होता है कि मोर तो यूज कर रहे हो आप, बट मोर में क्या होता है आपका कि मोर कमांड में ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटर करके बाहर आप आ सकते हो, आपको क्यू प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब इंटर करते करते आप बाहर जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट मोर कमांड यूज करके बताया था अभी, जस्ट लाइक अभी जस्ट,
देखो यहाँ पे लेस टी कमांड है ना, देखो यहाँ पे मोर कमांड यूज करके बताया ना मैंने। हाँ यस सर, दोबारा से बताऊं? देखो मोर कमांड यूज करना बताता हूँ दोबारा से आपको। देखो मैं सिर्फ कोई फाइल को कॉपी कर रहा था, सिर्फ इंसर्ट कर दो फाइल दिख जाएगा। देखो मैंने सिर्फ इंसर्ट कर दिया तो देखो इंटर कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, ये बाहर आ रहा पा रहा हूँ ना मैं। यस सर, देखा? तो लेस कमांड में आप बाहर नहीं आ सकते, बट मोर कमांड में आप इंटर कर करके बाहर आ सकते हो। जब तक लेस कमांड में क्यू नहीं प्रेस करोगे जब तक बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है? चलो आप समझ आ गया ना? ओके चलो, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं अब हम लोग का, ठीक है? ठीक है ब्रदर? यस सर। ओके चलो हम लोग ना मतलब कि ये खत्म हो गया लगभग ये चैप्टर आपका, मतलब अभी और बाकी है। अभी पार्ट टू में मैं क्या बताऊंगा आपको, रीडायरेक्टिंग मतलब कि कैसे कैसे क्या करते हैं ना, वो भी आपको फिर दोबारा थोड़ा सा हल्का रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, भीम के बारे में यूज करेंगे, ठीक है? VIM भीम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया ना भीम, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, ठीक है? ये कंपनी में बहुत यूज होती है स्टोरेज बनाने के लिए, बहुत सारी यूज होती है। आई थिंक ये पार्ट वीडियो है मेरा, ठीक है? तो चलो हम लोग ना नेक्स्ट स्टॉप करते हैं। चलो ओके जोशी भाई, बाय। हेलो बाय। मैं